लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत उम्र हो गई है क्योंकि आई नो हिम सिंस एजेस नाउ. आई थिंक आई नो योर फादर मोर देन यू. एंड अशोक जी को कौन नहीं जानता. ही इज ऑलवेज बीन देयर टू सपोर्ट द इंडस्ट्री एंड पीपल इन नीड. सो हियर आई एम टुडे फॉर हिम एंड फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट and for these great musicians and music director Salim Suleiman and their album. Their company is called Merchant Records. So we are jao immediately sab log merchants ko aur ameer banao and I hope you all love what this boy has done and Salim Suleiman has done, and all the best to you and to everyone involved with you and your team. To mahol bana do fir. Sir, जाने से पहले बिफोर वी प्ले द सॉन्ग आई लाइक सलीम साहब सो टू कम फॉर अ सेकंड. सुलेमान साहब प्लीज. ये जो मर्चेंट रिकॉर्ड्स का जो प्लेटफॉर्म है, आई थिंक फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट इट्स सच अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस. बिकॉज यू नो कई बार ऐसा होता है कि हम गाने बनाते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू पुट इट आउट इन टू द वर्ल्ड. वी डोंट नो कि ऑडियंस तक कैसे पहुंचे. तो ये जो आप ये जो पहल है as a label, as a record label, you know, promoting independent music and artists, I want to thank you from on behalf of all of us for making sure our music reaches the world. And please, if you would like to say something about Mahal. First of all, Raj, thank you. The music industry now is nothing without music. The music label is nothing without music. So it's all about us. It's all about the musicians. It's all about the singers, the lyricists, the composers. It was always a thing to create a community, not an industry. Industries to aati hai, hoti hai. But community mein aur pyar hota hai, ekta hoti hai. And I always believe that, you know, we at Merchant Records, we want to create a community of good music and good musicians where there's no boundaries for any creative piece, chahe wo lyric ho, ya music ho, ya gaiki ho, chahe wo ghazal ho, ya thumri ho, ya ek pop song ho, ya kuch bhi ho. जब ये बाउंड्रीज हम क्रिएट कर लेते हैं ना, तो देन इट इज़ नो मोर आर्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट आर्ट बिकॉज म्यूजिक इज ट्रूली एन आर्ट फॉर्म. इट इज़ बिकम अ बिजनेस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देर इज़ नो बिजनेस विदाउट द आर्ट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और माहौल में मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं पहली बार ये गाना सुना स्टूडियो में. मुझे यू नो राज की ऐसा लगा कि एक दूसरा पहलू है. दिस इज अनदर चैप्टर इन राज's लाइफ. बिकॉज बहुत राज ने इसके पहले भी कुछ गाने किए थे विच आर ऑल्सो इनक्रेडिबल. थैंक यू. बहुत सारे यू नो ही इज़ अ ब्यूटिफुल डांसर, इज़ अ फैंटास्टिक डांसर. और हर गाने में डांस का एक एलिमेंट राज के गानों में रहा है. पर उसके साथ साथ ही इज़ डन सम ग्रेट वर्क व्हेन इट कम्स टू डिवोशनल म्यूजिक. रिसेंटली रिलीज ऑन महाशिवरात्रि रिलीज अ कश्मीरी सॉन्ग, कश्मीरी शिव भक्ति सॉन्ग विच वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. पिछले साल हमने जब भूमि किया उसमें सबसे बड़ा गाना, वी डिड सो मेनी सॉन्ग्स विद सच इनक्रेडिबल आर्टिस्ट, बहुत ही ट्रेंडिंग आर्टिस्ट के साथ हमने काम किया, बट हमारा सबसे बड़ा गाना था नाजनीन विच वॉज अ कश्मीरी फोक सॉन्ग. सो द लव दैट ही गेट्स फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी इज ट्रूली इनक्रेडिबल, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस नेक्स्ट गाने में माहौल में क्या आने वाला था, ये मैं बहुत एक्साइटेड था. तो मैं जब सुना तो मुझे इतना बेहतरीन लगा. आई एम श्योर यू गाइज विल ऑल्सो लव इट. आई डोंट वॉन्ट टू से टू मच बिकॉज वेन यू सी इट एंड वेन यू हियर इट यू नो इट. सो मर्चेंट रिकॉर्ड्स एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम केओस एंड इट्स स्टिल केओटिक. वी आर स्टिल अ वेरी आर्टिस्ट ड्रिवन कम्युनिटी एंड एन आर्टिस्ट ड्रिवन लेबल. इट्स ऑर्गेनाइज केओस एग्जैक्टली. इट स्टार्टेड फ्रॉम अ नीड फ्रॉम अस where we felt that we needed some organization in life. And we were releasing independent songs. We didn't have a way to put it out the way we would have liked to. And we felt that we should become a label. So that's how Merchant Records was created. It's a label for the artist and by the artist. And we are very proud of that, you know, because a lot of times people come to us and say, you want to release a song and we want to release it on Merchant Records, and it gives us so much pride and pleasure to hear a song and say, okay, love it, let's do it. And so this is the journey of Merchant Records which we've had,
And I am so glad that we are here today releasing this beautiful song, Mahol. Raj, let's set the mahol. Rohit bhai, thank you so much for doing this, really. Bahut bahut shukriya. You know, it's so good to have you, who's such an important person from our industry, so respected, so, you know, making larger than things, larger than life things for cinema. And to be able to come for this intimate launch, bahut bahut shukriya aapka. Thank you so much. Hum sab ki taraf se. Vedika, can you please come on for a second? Before we watch the song, I just wanted to come and say something about your feeling, what you're feeling right now. That's all. Nothing about the song, nothing about me, but just what you're feeling. Just standing here next to all of you makes me very, very nervous. So that's what I'm feeling. I want to say a big thank you to you, Raj, because without any questions, you just came to me. You're like, this is the song I've made and I want you to be a part of it. And it's my privilege, it's my honor that I'm a part of something so beautiful. And I think you guys will know when you see the song and when you hear the song. And I'm just very grateful to be here. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So before we play the song, aapke haathon se mujhe ek choti si cheez karwani hai, if you don't mind. Yeah. Agar aap action call de rahe hain aaj ke event ka, to I think video super hit aise hi ho jayega. So my question is, what inspired you to like sign up with like this song, Mahol? Was it the mahol of your love life? I wish it was, but I think I had been doing the last three or four songs that I've done in the last 2 years were more funk, more dance, which is again a big part of my personality. But this time around I thought, let's slow things down a little bit. Or romantic gaano ka bhi main bahut bada fan. I've grown up listening to Hindi film music and songs. So this was again a very, very important side of my musical personality. And I thought, let's explore that. Aur ye word jo hai mahol, yehi itna kamaal hai. कि शुरुआत इसी वर्ड से हुई और इसके आसपास फिर चीजें बनती गई। रोहित सर, I have a question for you, a little unrelated, but what is the mahol for खतरों going to be? जैसे होता है हर साल। And by the way, जो सुनते हैं हम आज भी ना खतरों के खिलाड़ी, music was done by him. वो तो बता दूँगा। रोहित जी, यू आर, इनका माहौल है आज, इनसे पूछो जाना, इनको नर्वस करो आज, उन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा था कि यंग टैलेंट है ने, और यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट थिंग, यू नो, तो आने वाले दिनों में लाइक यू आल्सो ट्राई टू पिक अप थिंग्स, लाइक कभी कोई बहुत ही कोई अच्छा टैलेंट होता है तो यू टेक इन योर मूवीज, तो इस तरह से कुछ आप देख रहे हो? अभी से बता दूंगा तो कोई सरप्राइज कैसे रहेगा। अच्छा सलीम, जो मर्चेंट रिकॉर्ड्स है, तो यू गिव प्लेटफॉर्म टू न्यू कमर्स, मतलब ये भी रहेगा, और ऐसे भी होता है कि बहुत बार आपके पास टैलेंट आते हैं, दे यू नो गो टू लॉट्स ऑफ, मतलब हमारे इंडस्ट्री में घूमते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं इनफैक्ट, लाइक यू नो, एंड वहां पर शायद उनको कोई चांस नहीं मिलता, मतलब दे आर गुड टैलेंट हमारे पास, हो सकता है, तो थिंकिंग दैट ऑल्सो यू हैव यू नो कम अप विद दिस लेबल? मैंने ऐसा कुछ ऐसा कभी सोच के नहीं किया कि सब लोग जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो हमारे पास आ सकता है, फिर ऐसा कभी सोच के नहीं किया था। हमने सोचा था कि हम एक, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑफ क्रिएटर्स, जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, चाहे कुछ भी म्यूजिक हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो पॉप सॉन्ग हो, कव्वाली हो, भजन हो, कुछ भी हो, द सॉन्ग शुड हिट योर हार्ट। मैंने पहले भी ये कहा, फिर एक बार कह रहा हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री इज नथिंग विदाउट म्यूजिक, तो जो आर्ट है वो अव्वल है, उसके बिना कुछ नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये म्यूजिक जो है वो अपनी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। हम ऑफकोर्स इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, बट बहुत लोग इसको अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा देखते हैं।
So it's very important for us to have a label that we create a community of wonderful artists who do music fearlessly. जिसमें जिसके पास कोई रोक टोक नहीं होती, जो कुछ भी बनाए अपने दिल से बनाए वो रिलीज कर सकता है हमारे साथ. और ऐसा नहीं कि हमारे पास पहले आए या लास्ट आए, यू नो, अगर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पूरी दुनिया घूम के भी हमारे पास आए तो वो हमारी खुशनसीबी है, उसकी नहीं. राज, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब गाना बनाया तो रोहित शेट्टी जी भी आ रहे थे देखने के लिए, तो अंदर थोड़े से नर्वस थे कि इन्होंने ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना ली हैं और एक गाना जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ना रह जाए, तो फिर वो एक होता है. वो एक्चुअली मैंने कमियां सुनने के लिए ही उनको बुलाया, क्योंकि जो कमियां वो बताएंगे वो कोई और नहीं बता सकता. तो मैं तो बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हमसे हो सका काम करें. एंड यू नो एनी वेयर दैट वी फॉल्टर एंड दैट वी फील सर को जो लगे कि यार ये बेटर हो सकता था, ये इसको ऐसे कर सकते थे, दैट्स व्हाट माई एम इज ऑलवेज, टू कीप लर्निंग फ्रॉम द पीपल हु made films and made cinema that we've grown up on. और जितनी कमियाँ हो उतना ही हम सीखेंगे, उतना मेरे लिए बेटर. रोहित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने रिव्यू दिया गाना देखने के बाद, हमने देखा हमेशा शो में तो आप डायरेक्ट एकदम ब्लंटली जैसा होता है कंटेस्टेंट्स को झाड़ देते हैं और रिव्यू भी देते हैं जो जैसा होता है वैसा. अभी हमने देखा बहुत ही आराम से स्मूथ गए. सही सही रिव्यू दीजिए सर, कैसा लगा आपको गाना? अच्छा था इसीलिए ना, वरना मैं इसको साइड में लेके झाड़ देता. घर का बच्चा है. एंड नहीं, उससे ज्यादा जो खास करके क्रेडिट गोज टू सलीम सुलेमान के, मतलब दे एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर फॉर सो मेनी इयर्स एंड दे हैव बीन डूइंग ग्रेट जॉब. उसके बाद भी सब यंगस्टर्स को लेके चलना, न्यू कमर्स को लेके चलना, मतलब वो हर कोई नहीं करता. सो क्रेडिट गोज टू देम. Salim bhai, towards your right, Russell here from PTI. Sir, आपने कई बार अभी fearlessly एक community बनाने के ऊपर आपने stress किया, और fearlessly word आपने repeatedly use किया है because music is most important. ये आप new talents और independent music को आप ये इतना support कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे fearlessly काम करने का मौका मिल रहा है, and some way film music में वो फ्रीडम चला जाता है, इज दैट द रीजन? मैंने ऐसा नहीं कहा. आज फिल्म्स में भी बहुत कमाल का म्यूजिक आ रहा है. आप पठान देख लीजिए, बहुत ही कमाल का म्यूजिक है. बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छा म्यूजिक आता है. और बट फिल्म म्यूजिक में एक किरदार होता है, एक स्टोरी होती है, एक तरीके की सीलिंग होती है. हम उस दुनिया का म्यूजिक बनाते हैं. जब हमने कुर्बान का म्यूजिक बनाया तो एक ब्रीफ थी, जब रब ने बना दी जोड़ी का म्यूजिक बनाया ब्रीफ थी, चकने का एक ब्रीफ थी. इस प्लेटफॉर्म पे मर्चेंट रिकॉर्ड्स में जब भी आप कोई गाना ले गए आते हैं, पहली बात तो बहुत सारे जॉनर्स शायद फिल्म में हम कर ही नहीं पाते, जैसे कि गज़ल. बहुत ही रेयर गज़ल की कोई गज़ल आती है बाहर. बहुत ही रेयर कोई ठुमरी रिलीज़ करता है, बहुत रेयर कोई कव्वाली रिलीज़ करता है, तो वो हम सब करते हैं. तो फिल्म का आप एग्जाम्पल ना दें तो बेहतर है, बिकॉज फिल्म की अपनी एक दुनिया है, और जो फिल्म कंपोज़र है उसको वो दुनिया में शामिल होकर म्यूज़िक बनाना, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस फिल्म के लिए. म्यूजिक अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कोई सीमा नहीं होती. इसलिए मैंने कहा इट्स देयर इज नो रोक टोक, कोई फियरलेस इसमें कुछ हो नहीं है कि हम एक आइटम सॉन्ग ही बनाना है तो ही चलेगा. तो उस टाइप का वो ब्रीफ नहीं होता हमारे यहाँ. बट फिल्म में भी आजकल बहुत कमाल का म्यूजिक आ रहा है, और उसमें भी ब्रीफ बहुत ब्रॉड होती है. जैसे हमने फैशन का जो म्यूजिक किया था, तब मधुर ने मुझे कहा था कि यार मेरा कोई ब्रीफ नहीं है, मुझे हिट गाने चाहिए. तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ओपन कैनवस है. रोहित सर, आपसे भी एक सवाल है. रिव्यू आपने अच्छा दिया, और आपने कहा कि अगर क्योंकि आपको वाकई में अच्छा लगा इसलिए आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया, सो व्हाट आर द चांसेस कि राज पंडित सिंघम थ्री में आपके लिए गाना गाएंगे? सिंघम थ्री का तो बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि उसमें गाने ही बहुत कम होंगे. बट आगे चल के जरूर होगा, लेकिन अभी से बोल के सरप्राइज क्यों ये करूँ ना, खराब बच्चे का. ऐसा हो गया कि अरे तेरा सरप्राइज बर्थडे आ जा. रोहित, हमने आपको देखा पहले बिहाइंड द कैमरा, अभी आप लाइक कैमरा के फ्रंट में हो खतरों के खिलाड़ी. यू लुक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम, और यू नो सब एंगल से आपने आपको देख लिया है. एक्चुअली मैंने पहले भी पूछा था एक बार, यू नो कि कोई चांसेस है आपके कि
कोई फिल्म में कोई ऑफर आए तो आप करोगे? जैसे आपने कहा था कि नहीं दूसरी, लेकिन अभी हम लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, यू नो, कपूर के खिलाड़ी के, आई मीन टू से यू मे बी होता है नेक्स्ट टाइम एक्टिंग के अंदर कभी कभी खिलाड़ी करते हुए 8 साल हो गए. हाँ तो अभी तो मैं वही बोल रहा था, अभी थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ होगा. हो सकता है अजय देवगन आपको कोई बोले कि भाई मेरी अगली वाली फिल्म में नेगेटिव रोल में या कोई रोल में आप लोगों को कोई प्लानिंग हो? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ किसी ने ऑफर दिया नहीं सर. अरे सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है किसी ने ऑफर दिया. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. हेलो राज, मेरा सवाल आपसे है कि अशोक जी आप भी अगर स्टेज पर आ जाए क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी की तरफ से क्या क्या सजेशंस मिले थे, टिप्स मिले थे, अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं कि माहौल के बारे में जब उनको पहली बार पता चला कि आप करने वाले, तो अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में. एक्चुअली वो जितनी फ्रीडम मुझे स्टूडियो में इनके साथ मिलती है उतनी घर पर उनके साथ भी मिलती है, बट मैं हमेशा अपने फर्स्ट ड्राफ्ट्स या कुछ जो अगर सुनाने लायक मेरा बन जाता है तो मैं हमेशा सुनाता हूँ, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच विद एवरीथिंग. तो अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, ही इज स्ट्रेट अप. एंड आई थिंक आई एज स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक आई नीड दैट ऑनेस्टी फ्रॉम पीपल अराउंड मी. और इसमें जो एक एडिशन इनका है जो वीडियो से कनेक्टेड नहीं है बल्कि ऑडियो से है, वो जो ट्रम्पेट का साउंड आप सुनते हैं गाने में वो उनका आइडिया था. मैंने एकदम रफ स्केच उनको सुनाया था कि ये मेरा गाना है, धुन है बहुत एक बेसिक बीट पे, एंड ही सेड इसमें वो एक यू नो सैक्सोफोन या ट्रम्पेट टाइप का एक कुछ हॉर्न इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, यू नो जैसा वो रूप तेरा मस्ताना जो एक गाना था बहुत कमाल का, उस तरह का एक एक फील है इस गाने में. अशोक जी अपने टेस्ट में चले गए. हाँ बिल्कुल, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. मैंने कहा अच्छा इफ यू फीलिंग लाइक दैट देन दैट्स अ विक्ट्री फॉर मी इन अ वे, बिकॉज एट दिस स्टेज इफ यू आर लाइकिंग इट. सो उनके सिर्फ विजुअल सजेशंस भी नहीं, म्यूजिकल सजेशंस भी काफी कमाल होते हैं. सो या आई मीन दैट्स द, मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और फिर finally I put out the song. Thank you. Thank you. Raj, thank one you. Quick question. Haan what ji. Kind of music would we find in your playlist if we were to take a look at it? It's all kinds. But starting with Hindi film music, because I've grown up on Hindi film ke gaane. But it's also diversified into funk, into R&B, into qawwalis. I also listen to ghazals. I also listen to some devotional music. तो मेरा बहुत ही मिक्स प्लेटर है. तो मैं आई डोंट फोकस बिकॉज एज अगेन लाइक आई सेड एज अ म्यूजिशियन यू हैव टू लिसन टू एवरीथिंग, यू हैव टू लर्न फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ जॉनर्स एंड स्टाइल्स. तो जैसा माहौल होता है वैसा ही गाना होता है. सर डन इट्स अ रोमांटिक ट्रैक, इट्स अ वेरी ब्रीजी ट्रैक. मेरा पांचवा इंडिपेंडेंट गाना है. मैं पिछले दो साल से मैंने अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट किया, एंड इसके पहले जो मेरे तीन चार गाने आए हैं वो बहुत ही यू नो फंक और डांस और अपबीट टाइप के थे. बट दिस टाइम आई थिंक आई थॉट कि एक रोमांटिक स्पेस में भी गाना करना चाहिए, और जो वर्ड जो जहन में आया माहौल इसी के अराउंड सारी चीज़ें बनी. एंड for the video I the day I made the song I only had one name in my mind, and that was Vedika to feature in the video. She's a fantastic actor, she's very talented and a beautiful face, and I and also of course a dear friend of mine. So maine without jhijhak I just went up to her, I said this is the song I've done and I'd love for you to be a part of it. And jaisa ki aap sabne dekha, it's turned out she's done a fab job in the video, and it made it look so real and made it look so natural. And, माहौल तो एक्चुअली वीडियो से ही बना है गाने का. सो फॉर मी दिस इज माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राज यू नो लेटिंग मी डू दिस. रोहित सर जस्ट हिम बीइंग हियर एंड यू नो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एंड हिम व्यूइंग द सॉन्ग एंड सीइंग द हार्ड वर्क एंड द क्रिएटिविटी दैट्स बीन पुट इन, I think that in itself is like a big, big deal for us, especially for me, because this is my first time. So it was very surreal for him to like sit next to us and watch what we've done. I had a lot of fun. Yeah. थैंक यू. नहीं बहुत लोगों ने सेम चीज़ कही कि बहुत ही क्यूट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड टुगेदर. ज़रा भी वो ऑकवर्डनेस नहीं है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है वीडियो.
एंड आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए कुछ नहीं लगता बिकॉज हमारी कोशिश वही थी कि जितना रियल हो जितना नेचुरल हो जितना रियलिस्टिक हो उतना यू नो गाने का इम्पैक्ट और वीडियो का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा सो आई एम ग्लैड दैट पीपल आर सीइंग इट यू नो द वे वी इंटेंडेड टू टू शो इट हाँ जी थैंक यू दैट उसके लिए तो प्रिपरेशन एक ही थी कि ज़्यादा ओवर डू नहीं करना है और उसमें मेरी मदद करने के लिए वेदिका वॉज एवरीथिंग शी इज अ ट्रेन एक्टर मैं ट्रेन नहीं हूँ तो जो भी चीज़ें मैं कहीं पर अगर कुछ ज़्यादा करना था स्किन भी तोड़ना होता है और यू नो आ कोरियोग्राफर रिया वॉज देयर आर डायरेक्टर तुषार तो लोग थे लकीली मेरे आसपास मुझे गाइड करने के लिए कि क्या सही लग रहा है और क्या नहीं एंड आई थिंक थैंक्स टू देम दैट इट्स कम आउट द वे इट इज सो माहौल इज नाउ लाइव एवरीवेयर आपके सभी ऑडियो स्टोर्स पर जहाँ भी आप म्यूजिक सुनते हैं स्पॉटिफाई ऐप विंग गाना सब जगह आ चुका है और यूट्यूब पर इट्स पार्ट ऑफ इट्स रिलीज अंडर मर्चेंट रिकॉर्ड्स एंड इट्स पार्ट ऑफ सलीम सुलेमान यूट्यूब चैनल तो गाना रिलीज हो चुका है आप प्लीज़ जाइए देखिए और अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ उसके साथ शेयर कीजिए एंड आई होप कि जितना मज़ा हमें गाना बनाने और वीडियो बनाने में आया उतना ही आपको सुनने और देखने में थैंक यू जी है वो तो आपने देख ही लिया है कि आपको कैसा लगा मुझे सिर्फ ये कहना कि जब मैं पहली बार गाना सुना था तब मैंने देख लिया था कि ये गाने की रीच क्या होगी ये गाना कितना लोगों को पसंद आएगा और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप सभी के माध्यम से ये लोगों तक पहुंच रहा है ये गाना और लोग उसको इतना मतलब ऑलरेडी आज ही रिलीज़ हुआ है गाना और इतना पसंद किए लोग इसको मैं रोहित के बाजू में बैठा रोहित शेट्टी के बाजू में और रोहित मुझे पर्सनली कह रहा था कि क्या कमाल का गाना है कितना अच्छा साउंड कर रहा है कितना अच्छा दिख रहा है तो ये अगर फिल्म मेकर लाइक रोहित शेट्टी टेल्स यू दैट अपने आप में ये एक विक्ट्री है अपने आप में ये एक जीत है और यू नो गाना ऐसा गाना है कि कुछ कुछ गाने जो होते हैं वो टाइमलेस होते हैं जो मेलोडीज़ होती है जो उसका संगीत होता है जो उसके लिरिक्स होते हैं वो टाइमलेस होते हैं मतलब आज वो आपको लगेंगे आपको पसंद आएंगे और 10 साल बाद भी आपको उतने ही पसंद आएंगे या शायद ज़्यादा माहौल उसमें से उनमें से गाना है थैंक यू तो सबसे पहले तो मेरे लिए ओके सबसे पहले तो आई थिंक राज एंड द होल टीम ऑफ मर्चेंट रिकॉर्ड्स डिजर्व सो मच लव एंड द ह्यूजेस्ट अप्लॉज क्योंकि अब वो जो वेव ऑफ चेंज आ रहा है जहाँ लोग बिना डरे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक रिलीज़ कर रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिलीज़ म्यूज़िक मैंने कुछ रिलीज़ किया था दो महीना पहले मार्च में एंड उस वक्त रियलाइज़ होता है जब आप एज एन आर्टिस्ट कुछ करते हो ना कि बहुत डर लगता है हम अक्सर इसके बारे में बात नहीं करते पर आज जो माहौल मैंने देखा यू नो इतने सारे लोग राज को और उसके इतने खूबसूरत गाने को सपोर्ट करने आए हैं एंड चेयर करने आए हैं नॉट बिकॉज ओनली दैट राज इज़ अ ग्रेट फ्रेंड टू एवरीबडी ही नोज बट इतना खूबसूरत गाना बनाया है इतना प्यारा वीडियो है सिंप्लिसिटी इज़ लाइक द हाईलाइट ऑफ इट सो आई विश एंड प्रे कि ये गाना सबकी प्लेलिस्ट में पहुँच जाए और इस तरह मल्टीपल गाने आते रहे एंड आई विल कंटिन्यू टू बी अ बिग चीयर लीडर फॉर राज ऑलवेज ओ वेल मैंने तो अपकमिंग तो मतलब अभी मैंने अपने आई थिंक जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मार्च में रिलीज़ किया था इट्स कॉल्ड बिग बैंड थ्योरी उसमें 5 गाने हैं इट्स माय फर्स्ट फुल फ्लेज्ड ओरिजिनल एल्बम जिसमें शंकर जी ने गाना गाया है गाना शान ने गाया है ये गाना मेरी बहनें सुकृति प्रकृति और मेरी मम्मा ने गाया है और एक गाना निकिता गांधी एंड शाश्वत सिंह ने गाया है और एक गाना रोमी बाजी ने गाया है जिसने ये गाना लिखा है माहौल राज का गाना आईपी सिंह उन्होंने भी एक गाना मेरे प्रोजेक्ट में लिखा है सो या आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर ऑल आर्टिस्ट टू कीप रिलीजिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक ये जो इंडिपेंडेंट सॉन्ग है बाय
राज पंडित फीचरिंग वेदिका एंड मर्चेंट रिकॉर्ड्स पे ये आज हम यहाँ पे इस जश्न में इस लॉन्च में यहाँ पे शामिल हुए हैं. बहुत सारे लोग हैं. राज के बारे में मैं कहूँगी वी हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स नाउ विद एसएस लाइव बैंड और सलीम सर सुलेमान सर के साथ का जो एसोसिएशन हम सभी का रहा है वी ऑल हैव बिकम लाइक अ फैमिली और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. एंड टू सी यू नो राज ग्रो एज अ ब्यूटिफुल आर्टिस्ट सिंगर म्यूजिशियन बहुत ही इज़ ओवरऑल कहते हैं ना कि एक रॉक स्टार पैकेज है. ही कैन सिंग रियली वेल, ही कैन डांस वेल, ही कैन एक्ट वेल. अभी हम सब लोगों ने उसे बड़े पर्दे पे देखा. सो यू नेवर नो ही मी टेक अप अ फिल्म जो मेरा मानना है कि ही माइट डू अ फिल्म वेरी वेरी सून. एंड जिस तरह से हम सब लोग काम कर रहे हैं वी यू नो कभी कभार एक इंट्यूशन आती है एंड इंडियाज़ बिगेस्ट सुपर स्टार इन मेकिंग मैं कह सकती हूँ बहुत दावे के साथ. एंड वी ऑलवेज विल बी सो 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 हैप्पी टू सी हिम प्रोग्रेस लाइक दिस. बहुत ब्यूटीफुल गाना है. मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगी मर्चेंट रिकॉर्ड्स पे जाएँ और माहौल सॉन्ग देखें सुने. एंड इट्स ब्यूटिफुली शॉर्ट, इट्स ब्यूटिफुली कम्पोज, ब्यूटिफुली सॉन्ग everything और दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है. सो येस आई एम सुपर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस लॉन्च टुडे. थैंक यू. सबसे पहले तो ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर. हम लोग सरनेम भी शेयर करते हैं. ही इज़ राज पंडित एंड श्रद्धा पंडित. सो पंडित पंडितों की जय. आई थिंक माहौल इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. मैंने आज पहली बार सुना. हम बहुत क्लोजली काम करते हैं सब मर्चेंट रिकॉर्ड्स में. बट आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर एंड सी द वीडियो. आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल. ग्रेट म्यूजिक. द वाइब ऑफ द सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल एंड दे बोथ लुक अमेजिंग. सो वेरी हैप्पी. मेरा भी अभी सिंगल मजबूरियाँ रिलीज हुआ विद स्टेबिन बेन एंड सलीम सुलेमान फॉर मर्चेंट रिकॉर्ड्स. सो या आई थिंक सिंगल्स आर डूइंग वेरी वेल एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो लिसन टू इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. सो इट्स अ गुड फेज फॉर ऑल सिंगर्स. आई थिंक वी ऑल शुड डू आर इंडिपेंडेंट म्यूजिक. या थैंक यू गाइज.